ठीक है, तो सबसे पहला चीज ये देखो, मीटिंग कन्वर्ट हो रहा है। हट जा भाई, चलो कोई बात। तो बेसिकली सबसे पहला चीज तो ये समझते हैं कि व्हाट इज मार्केटिंग, और ये बेसिक इंट्रोडक्शन में ये चीजें आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है मार्केटिंग है क्या। ये वाला पार्ट तो मेरे से अच्छा शायद वो तुषार समझा सकता है, बिकॉज ही इज इन सेल्स, है ना तुषार। नहीं, सेल्स में हूँ बट मार्केटिंग, आप मार्केटिंग के एक्सपर्ट हो ना, सो यू आर द बेस्ट पर्सन हु कैन गिव दिस नहीं, आंसर। टॉक अबाउट एक्सपर्ट, कोई बात नहीं है ना, हम लोग के पास बुक नहीं है तो यहीं से देखेंगे। मैं बेसिकली समझा दूंगा, वैसे कोई बात नहीं, लेकिन बट वो चीजें मैं रेफरेंस मैं क्लियरली दिखा के करता हूँ कि वो ठीक रहेगा। देख लो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, देखो विकिपीडिया क्या कहता है, मार्केटिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज अ कंपनी अंडरटेक टू प्रमोट द बाइंग और सेलिंग अ प्रोडक्ट। तो लाइक अगर सिंपल वर्ड में हम लोग ये समझे कि इट्स अ काइंड ऑफ, हम लोग जो चीजें हमारे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उसको पॉपुलर करने के लिए, या किसी ब्रांड को पॉपुलर करने के लिए करते हैं, वो मार्केटिंग में आता है। अगर सिंगल लाइन में बोले तो इट्स अ काइंड ऑफ एक्टिविटी वी डू टू इंक्रीज आवर सेल्स, टू इंक्रीज आवर ब्रांड अवेयरनेस, और टू इंगेज आवर कस्टमर। दिस काइंड ऑफ थिंग इज कंसिडर्ड अंडर मार्केटिंग। ठीक है, तो बेसिक चीज यही है, मार्केटिंग का फंडा यही है कि हम लोग जैसे कोई प्रोडक्ट हमें दे दिया, बोला कि इसका मार्केटिंग करो, इट मीन्स हम लोग उस प्रोडक्ट को थोड़ा प्रमोट करेंगे, उसको थोड़ा प्रचार करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे, उसमें भी टारगेटेड लोगों तक पहुंचाएंगे, जिसको वो प्रोडक्ट का जरूरत है वैसे लोगों के पास हम पहुंचेंगे, और उन्हीं लोगों को हम लोग ये चीजें प्रोडक्ट दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे। उसके लिए डिफरेंट चैनल्स यूज होते हैं, वो ऑफलाइन में अलग होता है, ऑनलाइन में अलग होता है, उतना डीपली हम लोग इसको टच नहीं करेंगे अभी। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन क्लियर है, और कुछ लाइक कुछ सवाल तो बताओ पहले। No question क्लियर as of now. है, चलो कोई बात नहीं, ये तो बेसिक चीजें अभी हम लोग अभी सीख रहे हैं, देख रहे हैं भाई डेफिनेशन क्या है। तो अभी सेकेंड हो गया कि लाइक डिजिटल मार्केटिंग क्या है, तो सेम प्रोसेस जैसे थोड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन अभी क्या है, मार्केटिंग में जो हम लोग प्रोडक्ट वो और कोई भी सर्विसेज को राइट ऑडियंस तक पहुंचाते थे, सेम चीजें हम लोग डिजिटल मीडियम को यूज करके करेंगे, क्योंकि एरा चेंज हो गया है, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। दैट्स वाई एज अ मार्केटर वी हैव टू अडॉप्ट डिफरेंट थिंग्स। लोग पहले टीवी में एड्स देखते थे, लोग ज्यादातर लोग घर पे बैठ के टीवी देखते थे, तो एज ए मार्केटर हमें टीवी में एड चलाना पड़ता था क्योंकि हमारे कस्टमर वहीं पे बैठे हुए हैं। नाउ पीपल हैव मूव टू अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स, मे बी हॉटस्टार, इन सारे जगहों पे लोग आ गए हैं, मे बी यूट्यूब। तो अभी एज ए मार्केटर हमें हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को कहाँ शोकेस करना पड़ेगा, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, फेसबुक, दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग मतलब क्या हुआ, हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करेंगे हमारे प्रोडक्ट को शोकेस करने के लिए, हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज को यू कैन से कि प्रमोट करने के लिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन या कोई कोई सवाल? नहीं, चलो मूविंग ऑनवर्ड्स। अभी अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग प्रोसेस, मैं एक्चुअली ये वाला पॉइंट इसी में कवर कर गया, ये दोनों में प्रोसेस मतलब यहाँ पे जिसे कह सकते हो कि जो तरीका हम लोग यूज करते हैं ना हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को शोकेस करने के लिए टारगेट ऑडियंस को, वो चीजों को हम लोग ये मार्केटिंग प्रोसेस कह सकते हैं। तो मार्केटिंग प्रोसेस हम लोग क्या क्या प्रोसेस यूज करते हैं, बेसिकली डिफरेंट जो चैनल्स होता है, जैसे हम लोग एड्स दिखा के हम लोग प्रोडक्ट को शोकेस करते हैं या प्रमोट करते हैं, ऑर्गेनिक वे में भी करते हैं, उसमें SEO आता है, उसमें मे बी लोकल मार्केटिंग आता है, और यू कैन से साइट सबमिशन आता है, गेस्ट पोस्टिंग आता है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी डू ऑर्गेनिकली एंड इनऑर्गेनिकली टू रीच द राइट ऑडियंस, और हमारा सामान उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जो जो चैनल्स यूज करते हैं, जो जो तरीका यूज करते हैं, वही मार्केटिंग प्रोसेस होता है।
ठीक है? यस सर। अभी ये देखो सेम चीज है यहाँ पे है। ये मार्केटिंग प्रोसेस में क्या हुआ, पहले हम लोग होर्डिंग्स लगाते थे, जैसे ये ऑफलाइन की बात कर रहा है, ट्रेडिशनल वाला का, ठीक है? पहले इसमें हम होर्डिंग्स लगाते थे, रेडियो पे प्रचार करवाते थे, टीवी पे प्रचार करवाते थे, तो इन सारी चीजों को यूज करके हम लोग लाइक ऑडियंस तक पहुंचते थे। बट सेम अभी थोड़ा डिजिटल दुनिया में चेंज हो गया कि अभी हम लोग इसमें गूगल एड्स का यूज करते हैं, फेसबुक एड्स का यूज करते हैं, SEO का यूज करते हैं। मे बी कोई इवेंट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट लिस्टिंग साइट्स हो गया, और डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स हो गया, लोकल मार्केटिंग हो गया। दिस काइंड ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस वी यूज इन डिजिटल मार्केटिंग टू रीच द टारगेटेड ऑडियंस और टू यू कैन से एंगेज आवर कस्टमर्स। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? ऑफलाइन मार्केटिंग में हम लोग तो डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा बेनिफिशियल है, मोर मतलब जो हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते थे उससे ज्यादा बेनिफिशियल है डिजिटल मार्केटिंग। बिल्कुल बेनिफिशियल है। अगर मैं पूछूं कि कैसे, तो लाइक डू यू हैव एनी आंसर? यस सर। यस सर, जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर हम मतलब लाइक उसमें तो इस मतलब हम एक्सपेंड भी ज्यादा करते हैं ना, वो एडवर्टीजमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए हम ज्यादा एक्सपेंड करते हैं और उसमें ज्यादा इफेक्टिव रिस्पांस नहीं आता, लेकिन और वो टाइम टेकिंग भी होता है। बट वो अगर हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो उसमें टाइम टेकिंग भी नहीं होता और बहुत वो इफेक्टिवली हम मतलब ऑडियंस को परसुएट कर पाते हैं और प्रमोट कर पाते हैं अपने प्रोडक्ट सर्विसेज आइडियाज को। राजा आप भी कुछ बोल रहे थे? हाँ सर, मेन डिफरेंस ये है कि सर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम लोग स्पेंड तो कर देते हैं, मगर हम लोग ट्रैक नहीं कर पाते ऑडियंस को कि कौन सा ऑडियंस हमारा एड देखा है कि नहीं देखा है, या हम लोग ऑडियंस टारगेट ऑडियंस तक पहुंचते हैं कि नहीं। बट डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग अगर एड चलाते हैं तो हम लोग वहाँ पे टारगेट कर सकते हैं कौन से एरिया में चलेगा, कौन देखेगा, जिससे हम लोग एक एनालिटिक्स में कर सकते हैं, हमारा लाइक एक एक रुपए का हिसाब हम रख सकते हैं डिजिटल दुनिया में। बट वो ऑफलाइन में नहीं होता। अभी टीवी के एड्स आपने चला दिया, वो खर्च हो गया, अभी आपको नहीं पता कि आपने कितना लोगों तक पहुंचा है, आप क्या क्या कर रहे हो, आपका ऑडियंस आपसे। अब अभी सोचो ना, आपने पेपर में एड डलवाया, अब कितने लोगों ने पेपर पढ़ा अपने, लाइक कैसे आप ट्रैक करोगे? वो डिजिटल में पॉसिबल है क्योंकि वो लिंक से हम लोग ये कर सकते। प्रॉब्लम ये हुआ कि कितनों लोगों ने आपको वापस ईमेल किया या कांटेक्ट किया, वो ट्रैक रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसमें। बट ऑनलाइन में आप हर एक पैसा का हिसाब रख सकते हो। आप 10 रुपए का भी आपने ऐड चलाया तो आपको पता है कि हम लाइक 100 लोगों ने देखा या 20 लोगों ने देखा, वो आपको पता है। ठीक है, और सर और एक डिफरेंस है कि जैसे अगर हम लोग रीमार्केटिंग करते हैं तो हम लोग उसी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं जो हम लोग को पहले एड में आके हम लोग का वेबसाइट विजिट किया, तो हम लोग चाहते हैं कि उसी को टारगेट करें तो वो भी पॉसिबल है। बट ट्रेडिशनल में ऐसे रीमार्केटिंग पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं होता है। वही है ना, ट्रैक रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऑफलाइन मार्केट में, और ऊपर से इन्वेस्टमेंट आपका पता नहीं चलेगा कि आप जो जितना आपने इन्वेस्ट किया है एग्जैक्टली यू आर गेटिंग दैट काइंड ऑफ, वो आपको वापस एग्जैक्टली मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। जी ठीक है, तो और कोई और किसी का पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे, लाइक तुषार तुहीर कुछ आप लोग कुछ इस पे लाइक बोलना चाहोगे तो थोड़ा आप भी अपना कुछ व्यू रखिए। नहीं, आई थिंक वो राजा जो बोला, आई थिंक ही इज आई मीन एग्री विद हिम। एंड वो क्या होता है ना, अभी इफ यू सी मैक्सिमम पीपल स्पेंड देयर टाइम ऑन सोशल मीडिया, तो उससे क्या होता है कि तो टारगेट ऑडियंस भी ऑटोमेटिकली वहां पे ज्यादा मिल जाती है। सो एंड आई मीन दैट्स द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, एंड बाकी तो सब कुछ वही है ना। देखो प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो आज से 10 साल पहले का लाइफस्टाइल था और आज का जो लाइफस्टाइल है, इसमें जमीन आसमान का फर्क हो गया है। लोग आजकल घर में बैठे होते हैं तो मोबाइल पे होते हैं, लैपटॉप पे होते हैं, दे डोंट यूज टीवी या अभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। उनको न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, कोई गूगल में पढ़ लिया, कोई न्यूज़पेपर ऐप डाउनलोड कर लिया, समझ रहे हो? तो अभी हम लोग को एज अ मार्केटर हमें भी ये चीजें अडॉप्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हो? ठीक है,
और किसी का कोई कंफ्यूजन तो आगे बढ़े फिर. यस प्लीज गो अहेड. अभी यहाँ पे एक चीज आया विजिबिलिटी, इंक्रीजिंग विजिबिलिटी. व्हाट इज विजिबिलिटी, टाइप्स ऑफ विजिबिलिटी. तो विजिबिलिटी इन द सेंस क्या हुआ कि लाइक जो हम लोग का ब्रांड का जो एक्सपोजर होता है ना, जैसे कहने का मतलब हुआ कि यू आर बीइंग विजिबल, मतलब क्या हुआ कि आपको लोग ढूंढ पा रहे हैं. अगर मैं सीधा सा एक चीज बोलूं तो गिवन यू अ क्वेश्चन. ठीक है नेहा, आप मुझे थोड़ा समय दो और ये मैं विजिबिलिटी को खत्म कर लूं, उसके बाद आप मेरे से वो सवाल कर लेना, लिख लेना. ठीक है I think you are not audible. Okay. कर लेना आप सवाल मेरे से, कोई बात नहीं. तो जैसे मेरा कहने का मतलब ये विजिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि इफ यू आर विजिबल दैट मीन्स पीपल कैन फाइंड यू ऑनलाइन. सीधी सी बात. ठीक है अब सोचो ना कि लाइक अगर आप एज अ ब्रांड ऑनलाइन गए, लोग आपको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो फिर उसका मतलब क्या हुआ. आप लाखों रुपए खर्च कर दिया, अगर ब्रांड के पास अगर ऑडियंस लाइक ऑडियंस लोग आपको खोज ही नहीं पा रहे हैं या आप मार्केट में दिख ही नहीं रहे हो, तो लोग आपके पास आएंगे कैसे, लोग कैसे आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे. तो दिस इज द थिंग विजिबिलिटी. एज अ ब्रांड आपको अपने विजिबिलिटी पे काम करना पड़ेगा. वही होता है डिजिटल प्रेजेंस. ठीक है वही मेंटेन करना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है कि लगे लाइक जैसे कोई नया सडनली अपडेट आ गया या आपको प्रॉब्लम. पता है क्या है, मैं यहाँ पे जो समझता हूँ कि जैसे एज ए ब्रांड आपको एक जगह नहीं है, लाइक सारे जगह पे होना पड़ेगा. जहां जहां कस्टमर घूमने जा रहा है, जहां जहां टाइम स्पेंड कर रहा है, आपको हर एक जगह पे होना पड़ेगा, तभी होता है ना. जैसे अभी सोचो एग्जांपल के लिए कि जैसे मुझे एक मोबाइल फोन खरीदना है. मैंने क्या किया, मैंने सर्च किया गूगल में कि 10,000 के अंदर एक मोबाइल फोन मेरे लिए बेस्ट कौन सा है. अभी क्या हुआ, मैंने जैसे ही सर्च किया अमेजोन आया, मुझे लगा अरे अमेजोन अच्छा ब्रांड है. नेक्स्ट टाइम मैं फेसबुक पे गया, फेसबुक चला रहा हूँ, मैंने सडनली उसका अमेजोन का एड देख लिया. फिर मुझे समझ आया अरे अमेजोन को तो मैं उधर ढूंढ रहा था, अभी तो यहाँ भी आ गया. सडनली फिर मैं गया गया मैं कोई वेबसाइट खोला, वहां भी अमेजोन वापस वही मोबाइल फोन लेके आके वापस आपको दिखा दिया. नाउ यू विल थिंक यार ये ब्रांड बहुत अच्छा है, मैं जहां जा रहा हूँ वहां मुझे यही दिख रहा है, इट मीन्स मुझे ये मोबाइल ले लेना चाहिए. समझ रहे हो. तो यही होता है एक ब्रांड के लिए जो विजिबिलिटी है ना, ये इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा रखता है ड्यूरिंग ऑल द प्रोसेस ऑफ लाइक बाइंग अ प्रोडक्ट या आपके कोई भी सर्विस को आपके ऑडियंस को लेना है. दैट मीन्स यू हैव टू बी विजिबल और आपके ब्रांड का विजिबिलिटी अच्छा होना चाहिए अगर आपको सेल्स करना है या मार्केट में सस्टेन करना है. ठीक है उसके बाद विजिटर एंगेजमेंट. व्हाट इज एंगेजमेंट, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. तो एंगेजमेंट के लिए वही हुआ ना कि जैसे बाय द वे मानते हैं कि आपने एक ब्लॉग लिखा. ठीक है और जैसे मैं वैसे नहीं समझाता हूँ, ऐसे समझाता हूँ कि जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखना, आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखना है. ठीक है अभी आपने क्या हुआ, आपको क्या हुआ ना, एक मेल आया सडनली, एक मेल आया दैट उसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग का डेफिनेशन मिला और एक रिसोर्सेज का लिंक वहां पे दे दिया आपको कोई बंदा कि दिस इज द थिंग यू शुड रीड, तब आपको ये डिजिटल मार्केटिंग का अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा एंड यू कैन गेट अ जॉब. अभी सडनली आपने वो एक तरह का मार्केटिंग टैक्टिस है. जैसे एक और एग्जाम्पल लाइक ऐसे समझते हैं कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग मैं सीखा हुआ हूँ, मुझे पता है. अभी सडनली मैं क्या किया, जैसे आप लोग इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे थे, मैं क्या किया अभी फ्री में मैं आपको कुछ रिसोर्सेज दे दिया, मैं आपको एक क्लास दे रहा हूँ आपके लिए. तो वो हो गया ना कि लाइक जैसे मेरे लिए तो हो गया कि मेरा ब्रांड एक्सपोजर हो गया, आज मेरा पर्सनल ब्रांडिंग हो गया, कम से कम अब 10 लोग जानते हैं मुझे, है ना. अभी क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम जब आप एडवांस लेवल का डिजिटल मार्केटिंग सीखने जाओगे, आप किसके पास आओगे, क्योंकि आपने डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक चीजों को मेरे से सीखा है. मे बी आप मेरे से करवाओ या मेरे से सीखो या नहीं सीखो, लेकिन आपको मेरे माइंड लाइक मेरे बारे में आपके माइंड में जरूर एक बार नॉक करेगा.
मेरा नाम, समझ रहे हो? तो ये होता है एंगेजमेंट। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब आप डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप करने जाओगे, आप सोनचित को ढूंढोगे। लाइक क्या सोनचित सर के पास कोई इंटर्नशिप है क्या? अगर रहेगा तो एटलीस्ट यू विल अप्लाई। तो मुझे फ्री में लीड मिल गया, फ्री में मुझे इंटर्न्स के लिए कॉल्स आने लगेंगे, लोग ऑटोमेटिकली मुझे कॉल करने लगेंगे, समझ रहे हो? ये तो इंगेजमेंट वैसे हुआ कि मैंने फ्री में आपको कुछ वैल्यू दिया, उस वैल्यू के थ्रू आपको वो वैल्यूएबल लगा, इसलिए आप हमारे साथ, हमारे ब्रांड के साथ इंगेजमेंट करना शुरू किए, कुछ इंटरेक्शन करना के लिए शुरू किए, मेरा ब्लॉग्स पढ़ना शुरू किए, मेरा पेज फॉलो करना शुरू किए, मे बी मेरे कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना शुरू किए। सो दिस इज काइंड ऑफ एंगेजमेंट। और सेम यही प्रोसीजर फॉलो करता है बड़े सारे बड़े बड़े ब्रांड, यही करते हैं, ठीक है? जैसे राजा का एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, राजा था या प्रमोद, मुझे वो एग्जैक्टली याद नहीं है, कि बहुत सारे लाइक एक मिठाई का दुकान जैसे हो गया, वो मिठाई का दुकान वाला क्या किया कि एक नया प्रोडक्ट लेके आया मार्केट में। वो पहले क्या किया, जितना कस्टमर उसके पास आ रहा है उसको एक एक मिठाई खिला के वो चेक करवाया, उसके बाद उसका फीडबैक लिया कि ये मिठाई कैसा है, खाने में आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लगा, खराब लगा, वो फीडबैक लिया, उसके बाद उसका एक उसने प्रोडक्ट में थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर दिया। नाउ उसका जो अगर प्रोडक्ट थोड़ा खराब था वो एक बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट बन जाएगा, साथ में अगर उसका प्रोडक्ट अच्छा है तो कुछ रिव्यू भी उसको मिल गया जो कि मे बी सोशल मीडिया में वो प्रमोट भी कर सकता है। और नेक्स्ट टाइम अगर किसी को मिठाई खरीदना होगा तो उसका रिव्यू देख के, या फिर जो बंदे ट्राई किया था वो हो सकता है ये भी बोल सकते हैं कि अरे मिठाई अच्छा है, आप 1 किलो पैक कर दो मेरे लिए, समझ गए? Yes, sir. Like, मैं वो मैसेज डिलीवर कर पाया जो यहाँ पे लाइक मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको? एकदम एकदम। चलिए परफेक्ट। राजा तुम्हारा एग्जांपल तुम्ही पे वापस यूज कर रहा हूँ, देखा है? राजा या प्रमोद आई थिंक था, मुझे एग्जैक्टली वो ध्यान नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद है ब्रिंगिंग टारगेटेड ट्रैफिक। तो इसमें जैसे, अच्छा टारगेटेड ट्रैफिक का मतलब क्या है, कोई कोई समझा सकता है मुझे थोड़ा, लाइक कुछ बताओ मुझे। सर जो स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस होता है, लाइक मेरा जो वेबसाइट है, जो हमारा वेबसाइट है, उसके लिए मतलब कौन से टारगेट ऑडियंस होने चाहिए, हम पहले ये मतलब डिसाइड करते हैं, उसके बेसिस पे हम वो कंटेंट पोस्ट करते हैं वेबसाइट पे। थोड़ा चीजें चेंज हो गया यहाँ पे। मैं पूछ रहा हूँ टारगेट ऑडियंस क्या है, लाइक ये टारगेट जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि टारगेट ऑडियंस तो मैं बोल रहा हूँ, बट ये टारगेट ऑडियंस का मीनिंग क्या है, ये टारगेट जो है, ये टारगेट इसका मतलब क्या है एक बिजनेस के लिए? सर स्पेसिफिक जो ग्रुप ऑफ ऑडियंस होते हैं, लाइक स्पेसिफिक वो उसी वेबसाइट के लिए बने, वो उसी कंटेंट के लिए बने, वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑडियंस। ओके, अच्छा आप क्या और कोई स्पेसिफिक एज ऐसे बात कर रहे हो क्या? आई मीन आई एम नॉट श्योर, जस्ट टारगेट का मतलब वही होता है कि एक जैसे नहीं समझ पा रहा, मैं बताऊंगा ये चीजें, मैं बस जानने का कोशिश कर रहा हूँ, लाइक आपको क्या पता है ये टारगेटेड जो वर्ड है, ये बिजनेस प्रोस्पेक्ट से ये समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। हाँ, तो मेरे पास अगर कोई ऐसा चीज है जो सपोज एक पेन, अगर ये पेन हो सके तो किसी को भी यूज हो सकता है, स्पेशली यूज होगा स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, तो शायद वो दो ग्रुप को मैं ज्यादा फोकस करूंगा, सो दे आर गोइंग टू बी माई टारगेटेड ऑडियंस। Perfect. You are almost right. वो आप सही point पे हो। आप राजा तुम कुछ बताओ। सर वो targeted audience है, उसने सही बोला कि targeted audience means dedicated to age, फिर gender, फिर location, और वो interest क्या है वो audience का, उसको हम लोग को target करना पड़ता है। Down the line और कौन लोग हैं? आप लोग भी कुछ बताओ, कोई कन्वर्सेशन में तो पार्टी नहीं है। सर टारगेट ऑडियंस होता है, अगर हम कोई सर्विस या प्रोडक्ट बेच रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट के रिलेवेंट को जो कोई इंटरेस्ट दिखाएगा या उसी प्रोडक्ट का पुराना वर्जन या ऐसा कुछ यूज कर रहा होगा, तो वही हमारा टारगेटेड ऑडियंस है। ओके,
अगर मैं एक सेंटेंस में मैं इसको समझाऊं तो आपके प्रोडक्ट का जो नीडी पर्सन है, अगर yes, आपके प्रोडक्ट का, जैसे कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि जैसे बाय द वे मान के चलो कि मेडिकल फील्ड में जो बैंडेज होता है, हाथ का जो बैंडेज होता है, ठीक है, अगर मैं वो बेच रहा हूं तो जिन लोगों का हाथ में क्रैम्प है, मे बी जिसके हाथ में मोच है या जिसका हाथ टूटा हुआ है, वैसा बंदा लोगों के लिए वो बैंडेज जरूरी है, ठीक है। तो वही लोग उसके टारगेट ऑडियंस हुए। जो आपके प्रोडक्ट को ले सकता है, जो आपके प्रोडक्ट के लिए नीडी पर्सन है, वही आपका टारगेट ऑडियंस होगा ना। सीधी सी बात कि अभी मुझे जो, इसलिए मैंने बैंडेज का एग्जांपल दिया कि अगर मेरा मेरा हाथ में फ्रैक्चर है तभी मैं खरीदूंगा, या फिर मे भी हो सकता है मेरा फैमिली में किसी का फ्रैक्चर है तब मैं ये कंसिडर करूंगा। तो आपके लिए ऑडियंस कौन सा हुआ, जिसका हाथ में क्रैम्प है या टूटा हुआ है, वही बंदा आपका टारगेट ऑडियंस है। समझ गए? हाँ सर। यस सर। ऑडियंस वो भी हो सकते हैं जो अपने दुकान के लिए बैंडेज रखता है। हाँ, तो वही मतलब तो मैं कह रहा हूँ आपका फाइनल, जैसे देखो अब तुम ये कह सकते हो कि इसमें डिफरेंट चैनल्स आ गया, डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, कह सकते हो छोटा छोटा दुकान भी हो सकता है। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो तुम्हारा फाइनल है, फाइनल टारगेट वही है, जिसका हाथ टूटा हुआ वही है, लेकिन तुम बीच में वो मीडियम यूज कर रहे हो बेचने के लिए, समझ रहे हो। बस वो मीडियम यूज कर रहे हो कि तुमने बीच में दो डिस्ट्रीब्यूटर रख दिया, कुछ मेडिकल को जाके कॉन्टेक्ट कर लिया कि ताकि ये आपका प्रोडक्ट लोकल एरिया में पहुंच सके, ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, वो एक मीडियम है। बट आपका ऑडियंस कौन है? ऑडियंस है वो लाइक जो टारगेट ऑडियंस है जिसका हाथ में फ्रैक्चर है, समझ रहे हो। अभी 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 आप सोचो जैसे एग्जांपल के लिए कि जैसे एक टी शर्ट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे होता है ना बच्चों लोगों के लिए वो, या फिर बड़ों लोगों के लिए टी शर्ट बनाता है बहुत सारा कंपनी। तो अभी जैसे बाय द वे अगर वो ऑडियंस डिफाइन करके, वो अगर बाय द वे मान के चलो पॉलिटिकल रिलेटेड यहाँ पे लिखा रहता है ना, जिसमें पॉलिटिक्स से रिलेटेड होता है ना टी शर्ट पे यहाँ पे कुछ लिखा रहता है, तो उसका टारगेट ऑडियंस कैसा होगा? जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है। उसके बाद भी वो लोग होगा जो थोड़ा, मैं तो कह सकते हो कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड लोग जो ये सब में भी चुनाव में खड़ा हो सकता है, में भी कहीं पे वो लोग रैली वैली करता है, उस टाइप का लोग को ज्यादातर वो टारगेट करेगा, तो वो हो गया उसके लिए टारगेटेड ट्रैफिक। सीधा सा मतलब इतना है कि जो आपके प्रोडक्ट का नीडी पर्सन है, जिसको आपका प्रोडक्ट का जरूरत है, दैट इज योर टारगेट ट्रैफिक, ठीक है। यस yes, सर। ठीक है, समझ गए। और कुछ, और कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं सर। चलो तो अभी इसमें क्या हो गया, अब देखो ये टारगेटेड ट्रैफिक लाने का डिफरेंट तरीका है, बहुत सारे चीजों को हम लोग यूज करते हैं हमारे टारगेटेड ट्रैफिक लाने के लिए, तो ये चीजें हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। बस ये टारगेट ट्रैफिक का मतलब मैं समझा दिया अभी, इसको बाद में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अभी नाउ इनबाउंड एंड आउटबाउंड मार्केटिंग, ये आई थिंक इट्स आपको पता होना चाहिए, ये शायद मुझे लगता है कि आपको पता होगा। कोई बता पाएगा लाइक इनबाउंड एंड आउटबाउंड का डिफरेंस क्या है? सर इनबाउंड लिंक आउटबाउंड लिंक तो बताया, लेकिन ये मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा होगा वो? अच्छा चलो, तुम समझते हो कि इनबाउंड एंड आउटबाउंड का वो लिंक समझते हो, तो उसका उसका मेरे को थोड़ा वो मीनिंग समझाओगे कि लाइक इनबाउंड का मतलब क्या होता है उसमें, उस लिंक में? इनबाउंड मतलब जो लिंक हमारा वेबसाइट में आ रहा है और जो हम दे रहे हैं वो आउटबाउंड है, जो हमारा वेबसाइट या हमारा पेज से दूसरा किसी का पेज या दूसरा किसी का वेबसाइट में जा रहा है वो आउटबाउंड लिंक होता है या आउटबाउंड ऐसा कुछ। सेम इसी सेंटेंस को मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर कस्टमर या ऑडियंस
आपके पास खुद आ रहा है या आपके बारे में खुद इंक्वायरी कर रहा है, दैट मीन्स इट इज इनबाउंड मार्केटिंग। समझ गया? अच्छा। आउटबाउंड में हम लोग कुछ चैनल्स को यूज करके, मे बी हम लोग जैसे टारगेटेड लोगों के पास पहुंचने के लिए जो जरिया यूज करेंगे, या अगर हम लोग पर्सनली किसी प्रोस्पेक्ट के पास पहुंच रहे हैं बाय यूजिंग डिफरेंट चैनल्स, डिफरेंट मीडियम्स, उसको हम लोग आउटबाउंड मार्केटिंग कहेंगे। ठीक है? इनबाउंड मीन्स कस्टमर हमारे पास हमारे कंपनी को खुद ढूंढ के आ रहा है। ठीक है? और आउटबाउंड में हम लोग एज ए ब्रांड कस्टमर के पास रीच कर रहे हैं, हम उसके पास जा रहे हैं। ठीक है सर, इसका थोड़ा एग्जांपल दे दीजिए। चलो एग्जांपल भी दे देते हैं। इनबाउंड मीन्स क्या हो गया कि जैसे बाय द वे मानो कि आपने ब्लॉगिंग करना शुरू किया, ठीक है, आपने सॉरी एसईओ करना शुरू किया। एग्जांपल यहाँ से देते हैं, आपने आप जैसे कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, आपने ई कॉमर्स वेबसाइट को रैंक करवाया एसईओ करके फर्स्ट पेज पे। नाउ अगर ई कॉमर्स प्रोडक्ट कोई ढूंढ रहा है तो वो जैसे ही सर्च करेगा कि मे बी उसको जूता चाहिए, जैसे अमेजोन के लिए ले लेते हैं, अमेजोन एसईओ करके बाय द वे पहला रैंकिंग में आ रहा है, मैंने जाके जूता सर्च किया, जूता में फर्स्ट पेज पे अमेजोन आ रहा है, अमेजोन पे क्लिक किया, वहां से जाके परचेज किया, इट मीन्स मैं उसके लिए इनबाउंड लीड्स हो गया। मैंने खुद ब्रांड सर्च किया, मैंने खुद जूता सर्च किया, मैंने ऑटोमेटिकली अमेजोन में गया, वहां से जाके परचेज कर लिया, वो हो गया इनबाउंड। समझ गए? Yes, समझ में आया? Yes, लाइक कोई दिक्कत है? नहीं नहीं समझ में आ गया सर। लेकिन सर ये लाइक ये मतलब डिजिटल पे कैसे होगा, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन पे होता है वैसे ही, जो हम खुद जाते हैं और फ्लिपकार्ट अमेजन पे सेलेक्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स? तो अभी अच्छा अगर वैसा नहीं है तो चलो मैं डिजिटल मार्केटिंग का एग्जांपल देता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में क्या हुआ, जैसे कि तुमने क्या किया, जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के लिए हमने क्लाइंट ढूंढना है, ठीक है, कि कुछ लोग होंगे जिसके पास जो हमसे डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, वैसे लोगों को ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ढूंढने के लिए या उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होगा उसका एक हम लोग कंप्लीट बनाएंगे, ब्लॉग लिखेंगे और ब्लॉग को रैंक करवाएंगे फर्स्ट पेज पे। एग्जांपल टॉपिक मैं आपको बताता हूँ कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग लाइक सॉरी बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, इस नाम से आपने एक ब्लॉग लिखा। ठीक है, अब जो लोग मतलब डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहते हैं एज अ ब्रांड ओनर, वो लोग तो जाके सर्च करेगा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कोलकाता चाहे इंडिया। ठीक है, वो लोग जाके वहां पे सर्च किया, अगर आपका पेज फर्स्ट पे लाइक आपका ब्रांड फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है पहला नंबर पे, वो जाके आप ऑटोमेटिकली आपका ब्रांड में जाएगा, आपके वेबसाइट में लैंड करेगा, आपको कॉल करेगा। समझ गए मेरी बात? हाँ सर। अभी आउटबाउंड प्रोसेस में क्या करेंगे, आउटबाउंड प्रोसेस में हमने एड चलाया या हमने लाइक वो साइट सबमिशन किया, ये सब कुछ किया सर, जैसे हम लोग मेल मार्केटिंग करते हैं कि मेल के थ्रू जो मार्केटिंग करते हैं वो भी हो गया ना, ईमेल वगैरह वो कस्टमर को सेंड करते हैं। वेरी क्लोज टू वार्म लीड एंड कोल्ड लीड। चलो ठीक है, तो बेसिकली मैं वही कह रहा हूँ। अभी आउटबाउंड में क्या हो गया कि हम लोग एड चलाएंगे, मे बी हो सकता है लोकल एसईओ थोड़ा करेंगे, मे बी नहीं तो हो सकता है टारगेटेड कुछ एड्स चलाएंगे, तब जाके हम लोग प्रोस्पेक्ट के पास पहुंचेंगे और मे बी वो ईमेल आईडी वगैरह कलेक्ट करके हम लोग फिजिकली उसको ईमेल करेंगे दैट यू शुड बाय दिस प्रोडक्ट और आपके लिए ये वैल्यूएबल कॉन्टेंट है, ये चीजों को आप ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें फिजिकली हम लोग कस्टमर के पास पहुंचे। ठीक है, मूविंग ऑनवर्ड्स। और लाइक ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ, ये इनबाउंड एंड आउटबाउंड मार्केटिंग? हाँ सर क्लियर हो गया। और लोग भी हैं लाइन पे, कुछ जवाब तो दो एटलीस्ट। मुझे लगता है कि लाइक कोई आंसर नहीं कर रहा है, लाइक यू आर लूजिंग योर इंटरेस्ट या आपको समझ नहीं आ रहा। आई थिंक सब ध्यान से सुन रहे हैं, आप बहुत अच्छे सिखा रहे हो, सो आई थिंक एवरीवन इज फोकसिंग, इसीलिए कोई नहीं। आई एम क्यूरियस एक्चुअली, मैं ये चीजें फ्री में है, दैट इज नॉट द थिंग कि हमें ये वैल्यू कम करना है, ये परफेक्टली होना चाहिए एंड आई नीड योर ऑल सपोर्ट
अगर मैं कहीं गलत होता हूँ, इफ यू नो बेटर द मी, बेटर देन मी, जस्ट नॉट मी. दैट इज द डिफरेंस. वी आर लाइक अ फ्रेंड. द वे यू आर टीचिंग अस, इट्स क्वाइट एफिशिएंट वे. तो मुझे नहीं लगता है कि और कुछ, आई मीन दिस इज द बेस्ट थिंग इज हैपनिंग. चलो यस सर, मुझे ठीक लग रहा है कि ये आप लोग समझ पा रहे हो. अभी ये देखो यहाँ पे, कन्वर्टिंग ट्रैफिक इनटू लीड्स, टाइप ऑफ कन्वर्जन, अंडरस्टैंडिंग कन्वर्जन प्रोसेस. ये डीप में जाएंगे तब हम लोग ये समझेंगे. अभी मैं ये समझाऊंगा ना तो परेशान हो जाओगे. लेकिन हाँ, एक एग्जांपल जैसे हम लोग ये इसको देख लेते हैं. जो हमने ये जो एग्जांपल दिया था ना, ये डिजिटल मार्केटिंग वाला, जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाला जो हमने एग्जाम्पल दिया था, अभी हम लोग ब्लॉग लिखेंगे उसको, नहीं होगा तो अगर फिजिकली पहुंचेंगे, सेम यहीं पे लागू होता है. ट्रैफिक हमने लाया ब्लॉग लिख के, ब्लॉग लिखा, उससे कुछ लोगों ने सर्च किया, हमारे पे लैंड किया, हमारे वेबसाइट में आया, उन्होंने अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी कुछ दिया ताकि हम लोग उसको कांटेक्ट कर सके. बाद में वही चीज क्या हुआ, हम लोगों ने उसको कांटेक्ट किया, कुछ लोगों ने राजी हुआ हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे साथ मीटिंग के लिए राजी हुआ, वो हो गया कन्वर्जन. ठीक है, लीड्स को हमने कन्वर्ट कर लिया इंक्वायरी में, इंक्वायरी को बाद में हम लोग कर लेंगे सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, अगर 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 और आसानी तरीके से समझे तो, जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, ब्लॉग लिख के हमने लोगों को, ऑडियंस को हमने लाया अपने वेबसाइट में. ठीक है, मे बी हम लोग उसको डायरेक्टली इंक्वायरी नहीं करके वो हमारे वेबसाइट में आया. वेबसाइट में हम लोग कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे. मे बी हो सकता है एक जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ढूंढ रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे कि क्या क्या, जैसे एक प्राइसिंग लिस्ट का हमें एक पीडीएफ बना दी. ठीक है, कि एसईओ करने का कितना खर्च पड़ता है इंडिया में, डिजिटल मार्केटिंग होल करने के लिए कितना खर्च पड़ता है. तो एक तरह का रिसोर्स हो गया ब्रांड ओनर्स के लिए, उसको प्राइसिंग डिसाइड करने में आसान हो जाएगा. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, वो वाला पीडीएफ देने के लिए बोलेंगे कि आपको ईमेल आईडी या फोन नंबर देना पड़ेगा, तब ये हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे. होता है ना, जैसे जैसे क्या बोलते हैं कि उसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर्स, ये सब कुछ होता है ना. या फिर आपको कुछ वो टूल्स का लिस्ट आपको देता है कोई कंपनी, कोई वेबसाइट, उसके लिए आपको ईमेल्स डालना पड़ता है. सेम वैसे ही हम लोग भी करेंगे एग्जांपल के लिए, कि आपने वो चीजें रखा वहां पे कि आपको, अगर आपको ये प्राइसिंग लिस्ट चाहिए आप मुझे ईमेल दो, मैं आपको ये प्राइसिंग लिस्ट कर, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा. ठीक है, अभी क्या हुआ, उसको प्राइसिंग लिस्ट भी मिल गया. हम लोग अपना सर्विसेज को भी थोड़ा एक लिंक दे देंगे जिसमें हमारा लैंडिंग पेज रहेगा हमारे सर्विसेज का. अभी क्या किया, वो प्राइसिंग लिस्ट चेक करते करते उसका लिंक मिला. लिंक में जाकर अगर उसको हमारा सर्विसेज समझ में आता है तो मे बी वो हमें इंक्वायरी करने के लिए कॉल कर सकता है. तो वही सेम जो लीड था, लीड बाद में कन्वर्ट हो गया, सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. समझ गया पूरा प्रोसेस सर? ये सेल्स में कन्वर्ट होने का प्रोसेस क्या होता है, लाइक मतलब लीड बन गया, अब वो लीड बन गया तो लीड को सेल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसका कोई मतलब कोई एप्लीकेशन होता है? नहीं नहीं ना, देखो सेल्स इट मींस क्या हुआ कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको वो पैसे में खरीद लिया, बस हो गया सेल्स. सेल्स वही तो है. अच्छा, वो परचेज किया और मतलब हम जानना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल कस्टमर, कस्टमर बोल रहे हैं. हाँ, मैं समझ गई समझ गई. हाँ. सर तो वो मतलब सर्विसेज को पे करते, मतलब सर्विसेज के लिए पे करते हैं कस्टमर, तो वो वहां पे सेल्स में कन्वर्ट हो गया. सेल्स हो गया. अभी आपको अगर कोई पैसा दे दिया इट मींस वो सेल्स हो गया. अगर जब तक वो पैसा नहीं दिया तब तक वो लीड. ठीक है, चलो नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स. ये टूल्स, हाँ हाँ बोलो बोलो राजा. मैं बोल रहा था सर, इसमें एक तीन स्टेप रहता है, जैसे पहले अपने अवेयरनेस करना पड़ेगा, फिर कंसीडरेशन और फिर कन्वर्जन. तो वही तो मैं समझा रहा था ना, कि अवेयरनेस में हमने हमने वो ब्लॉग लिखा, ब्लॉग लिखने के बाद हमने उसके रिसोर्स दिया, प्राइसिंग लिस्ट का रिसोर्स दिया, उससे उससे हमें उसका ईमेल आईडी फोन नंबर मिल गया. उसमें हमने अपना एक लाइक हमने अपना जो सर्विस का जो लैंडिंग पेज है उसका एक लिंक डाल दिया उस वाले ईमेल में. उस पढ़ते पढ़ते वो ईमेल पे, वो ईमेल में जो लिंक मिला, लिंक पे क्लिक किया, लैंडिंग पेज में हमारे पास आया, उसमें अगर उसको समझ में आया तो हमसे सर्विसेज लेगा, नहीं समझ में आया तो फिर मूविंग ऑनवर्ड्स. रीमार्केटिंग कर सकते हैं हम उसका, कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसको दे सकते हैं. समझ गए? तो
प्रोसेस वही है, बस मैं एग्जैक्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मतलब वो चीजें मैं दे दिया तुम्हें, ठीक है। चलो अभी लास्ट आज का क्लास के लिए जो हम लोग बात करेंगे वो है टूल्स के बारे में। तो डिजिटल मार्केटिंग में देखो सारी चीजें अगर तुम ना प्लेटफॉर्म पे डिपेंड होकर सारी चीजों को करोगे ना तो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाएगा। अभी अगर सोचो कि जैसे बाय द वे आपके ब्लॉग में एक दिन में 1000 लोग आ रहा है, अगर 1000 लोग को आप पर्सनली ईमेल करने जाओगे वो रिसोर्सेस, जैसे जो मैंने बोला कि वो प्राइसिंग लिस्ट, अगर 1000 लोग आपके पास आके इंक्वायर मतलब आपके ब्लॉग में आया, अगर वो रिसोर्सेज आप एक एक को मेल करने जाओगे सोचो कितना टाइम लगेगा, समझ रहे हो। अगर वही चीज हमने क्या किया, एक हमने कुछ वहां पे कुछ प्लगइन डाल दिया जहां पे क्या हुआ ऑटोमेटिकली वो ईमेल मतलब अपना ईमेल आईडी डालेगा उसको ऑटोमेटिकली मेल हो जाएगा, वो काम ऑटोमेट हो गया, आसान हो गया। अभी बाद में हो गया कि इंक्वायरी के लिए जो मीटिंग सेटअप करना होता है हम लोग ऐसा ऑटोमेशन कुछ कर दिया कि वो फटाक से हमें ईमेल आईडी दिया उसको एक ईमेल चल गया, वेलकम ईमेल चल गया, मे बी एक मीटिंग का लिंक चला गया उसको। अगर ये सारी चीजों को हम ऑटोमेट कर देंगे तो हमारा समय बच जाएगा। तो टूल्स हमें हेल्प करता है समय बचाने के लिए और काम को इफेक्टिवली करने के लिए। एज अ ह्यूमन वी कैन डू लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स बट हम लोग टूल्स को इसीलिए एक्यूरेटली बनाते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए और इफेक्टिव और एग्जैक्टली काम हो, ठीक है। हाँ सर, ठीक है, समझ में आ गया। यस, और मेरे पास ये आपका आपका आवाज कट रहा है स्वाति, कभी भी आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। स्वाति आप चैट पे लिख दो ना, सवाल कुछ आया। अच्छा आई थिंक नेहा की कोई सवाल था ना, सो इन द मीनवाइल यू कैन आस्क हर टू यू नो एक्चुअली मीटिंग खत्म हो रहा है, ये मीटिंग खत्म हो रहा है फिर से